हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलिए बनाते हैं ये साइड पेंडेंट नेकलेस। तो इसके लिए हमें चाहिए 6 mm पॉल बीड्स और ये 4 mm ग्लास बीड्स और स्पेसर बीड्स। ये एक फैंसी ग्लास बीड्स है और ये साइड पेंडेंट स्नेक शेप का स्नेक पेंडेंट। और ये है ग्लव्स विथ एक्सटेंशन चेन और क्रीम बीड्स, हेड पिन और टाइगर टेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जो स्नेक पेंडेंट है वहीं से बीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्रीम बीड लेके स्नेक पेंडेंट में टाइगर टेल को अटैच कर लेंगे। क्रीम बीड को प्रेस करके लॉक कर लेंगे। उसके बाद बीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले बीडिंग में मैं बड़ा वाला जो फैंसी ग्लास बीड से उसको मैं डाल रही हूँ और उसके बीच में मैं स्पेसर बीड डालूँगी, मेटल का स्पेसर बीड्स ऐसे बीच बीच में डालेंगे। तो साइड पेंडेंट जो भी रहता है उसका दोनों साइड लूप रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा ऊपर की तरफ रख सकते हैं या नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे साइड में एक नीचे की तरफ रखना चाहती हूँ। तो फिर मैं अभी पॉल बीड को बीडिंग करूँगी। ये पॉल बीड ग्लास पॉल बीड है, रियल पॉल बीड नहीं है। तो ऐसे करके मैं कुछ पॉल बीड्स, कुछ ऐसे स्पेशल बीड्स देके ये नेकलेस का डिजाइन करूंगी। पॉल बीड्स में ग्लास पॉल बीड्स तो एक्रिलिक से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। एक्रिलिक प्लास्टिक जैसा रहता है तो उसका कुट ऊपर वाला जो पेंट है वो छूट जाता है, ग्लास का इतना जल्दी नहीं छूटता है कलर, क्योंकि ये सारा कोटिंग ऊपर में कलर दिया जाता है। ये पॉल पेड रियल तो नहीं है, ये सारा आर्टिफिशियल पॉल है। तो देखिए एक साइड का मेरा बीडिंग हो गया है। अभी मैं क्रीम बीड लगा के ग्लव्स के साथ ग्लव्स का एक साइड में उसको लॉक करूँगी। ये जो छोटे छोटे चाम या साइड पेंडेंट के जैसा यूज हो सकता है या इयररिंग्स जैसा भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर दूसरे साइड में इसको अटैच करेंगे, टाइगर टेल को अटैच करके फिर से बीडिंग करेंगे। तो क्योंकि मैं जो फैंसी ग्लास बीड से वो रेड कलर का ली हूँ, तो बीच में व्हाइट का बीच में थोड़ा रेड कलर का 4 mm बीड्स डाल के उसको डिजाइन कर रही हूँ। तो इस साइड भी वैसे ही बीडिंग करेंगे, लेकिन इसका स्टार्टिंग में पॉल बीड से कर रही हूँ। इस टाइप का पेंडेंट को आप चार्म्स बोल के भी सर्च कर सकते हैं। जो चार्म्स में दोनों साइड लूप रहता है उसको एज ए साइड पेंडेंट यूज कर सकते हैं, या इयररिंग का भी हैंगिंग जैसे इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे करके बीडिंग कंप्लीट करेंगे और
दूसरा साइड भी ग्लव्स के साथ अटैच करेंगे। अभी जो हेड फिन लिए थे उसके साथ हम लोग कुछ हैंगिंग और डिजाइंस बनाएंगे, तो उसमें मैं सारा बीड्स डाल के, जो फैंसी वाला बीड्स और थोड़ा पॉल बीड्स, फेसर बीड्स डाल के डिजाइन करूँगी, और जो नीचे वाला जो लूप है पेंडेंट का उसमें हैंग करूँगी, तो ये नीचे के साइड हैंग हो जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ रख रहे हैं तो इसका ज़रूरत है, अगर आप साइड में ही रखेंगे वो जो साइड पेंडेंट को, तो इसका ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसे लेके उसको अच्छा से लॉक कर देंगे। देखिए नाउ इट्स रेडी टू वेयर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।